आपको एंट्रेंस मिल गई, आप लोग अंदर चले गए, चले किसी ने भी आपको बता दिया प्लेन बशीर लुकमान का खड़ा है, आप वहाँ जाके साथ वीडियोस रिकॉर्ड करना आपने स्टार्ट कर दी। लेकिन एक सवाल जो बार बार मेरे जहन में आता है, मैं कैसे ये मान लूँ कि जो आप लोगों ने एलिगेशन लगाया बशीर लुकमान के ऊपर कि जी हमें मुबशीर ने खुद भेजा था वीडियो बनाने, और संदल कह रही है, संदल आप इसका जवाब दीजिएगा, आपको कैसे इस्टेब्लिश करूँ मैं ये कि आपको मुबशीर लुकमान ने भेजा था वहाँ वीडियो बनाने? देखें हम, मैं आपको बता दूं कि जब हम वहाँ पे गए, उन्होंने को कॉल की, उन्होंने खुद फिर बंदे को बोला कि इनके लिए खोलो जाके वीडियो बनाएं, खुद उन्होंने बोला वीडियोस बना ले। मैंने आपको ये बोला है वीडियोस में, मैंने ये बोला था कि उन्होंने बोला कि वीडियो बना लो, खुद इतनी हिम्मत रख, जब इतनी हिम्मत की है आपने ये कहा है पहले इतनी भेजते हो वीडियो बनाओ, वहाँ पे जाके मुझे व्हाट्सएप करो। मैंने कॉल की कि आपका एरोप्लेन खड़ा हुआ है तो ये तो आपका ही, उन्होंने कहा मेरा, उन्होंने बोला रुको मैं बैठा बैठ जाओ और वीडियो बना लो, जब तुम इतनी हिम्मत, आप इतनी हिम्मत रखते हो बोलते हो कि वीडियो जाके। अच्छा, मुझे लगता है आप लोग काफी फ्रैंक रहे हैं बशीर लुकमान यारी, नहीं मतलब दोस्ती रही आप, अच्छी दोस्ती रही आप लोगों की, मतलब इसको थोड़ी बहुत कितनी दफा मुलाकात हुई बशीर लुकमान? इतनी बार तो नहीं हुई, कितनी होगी मतलब 2, 4, 10, 50 कितनी मुलाकात? नहीं इतना मैंने काउंट नहीं किया कि कितनी हुई, लेकिन हुई मुलाकात तेरी, लेकिन हुई। कैसे इंसान है वो शर्त? बहुत ही कैसे ठरकी ठरकी जी। आपके साथ भी मतलब इस तरह का कोई उनका इंटरेक्शन हुआ? हुआ भी ठरकी किस्म का इंटरेक्शन आपके साथ भी? पता तो चल ही जाता ना, आपके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ उनका ठरकी किस्म का? हरीम पे थोड़ी थोड़ी ठरक मारते थे। हरीम पे जी? आप पे नहीं मारते थे? मुझे कहते थे खाने में मेरे साथ चलो, खाने में मेरे साथ चलो। नहीं आप पे ठरक मारते थे या हरीम पे? हरीम पे लंबी वाली मारते थे। आप पे नहीं? मेरे पे थोड़ा, बस मुझे खाने तक बोलते थे खाने पे। इसका मतलब आप उनको अच्छी नहीं लगी? ये तो उसको पता होगा, बाकी अच्छी नहीं लगी होंगी तभी तो चोरी का इल्जाम लगाया है। आप पे लगाया हरीम पे लगाया? दोनों पे लगाया। अच्छा हरीम आप चेहरा खूबसूरत है, ये तो आप देखें खूबसूरत सब होते हैं जी, खूबसूरत सब होते हैं। आप पे क्यों लाइन मारते थे? आप मुबशीर साहब को कॉल करें, उनसे पूछें कि कौन सी वाली अच्छी लगी है, कौन सी वाली बुरी लगी है। खाने आप पे जाते थे लाइनें इधर मारते थे बकवाल आपके? खाने दोनों को जाते थे आप? दोनों इकट्ठी जाती थी जी, जहाँ जाते हैं। यानी कि आप डेट पे भी जाओगे तो आप लोग दोनों जाते हो? इंशाल्लाह जाएंगे, लेकिन अभी तक गए नहीं है। वेरी गुड। अच्छा गए नहीं है? नहीं डेट पे नहीं। वेरी गुड। अच्छा हरीम वापस आते हैं आप पे, ये तो कह रही है कि आप पे लाइनें मारते थे। देखे जब कोई मर्द किसी पे लाइन मारते है तो अगले बंदे को तो समझ आ ही जाती है ना कि ये क्या क्या कहते थे, जहाँ से आपको पता चला कि लाइन मार रहे? क्या कहते थे मतलब यही बुलाना और ऐसी चस्के लेके बात करना तो पता क्या चस्के लेके? जरा मुझे बताएं, मैं बशीर लुकमान मुझे, या बल्कि मैं हरीम हूँ आप बशीर लुकमान है, मेरे पे लाइन मारे, मैं हरीम हूँ आप बशीर लुकमान। ढेर अपनी न्यू वीडियो तो भेजें, वीडियो भेजें, सेंड वीडियो मांगते रहते थे हमसे। किस किस्म की? ये टिकटॉक वाली। तो वो तो आपने टिकटॉक पे अपलोड कर दी होती थी, वो बस चस्के लेने के लिए कहता था, मुझे व्हाट्सएप पे भी सेंड किया करो, हम सेंड कर देते थे। तो बस इतना, मेरे अकाउंट से भी सेंड होती थी, इसके अकाउंट से भी सेंड होती थी, और हम दोनों में आते थे और गाना वो बताते थे इस गाने पे करो। अच्छा। एक गाना बताया था ना उसने कल कुछ दिन पहले, कौन सा गाना बताया था? मेरा यार पिंडी दा दिलदार पिंडी दा। तो आप लोग पिंडी के? नहीं उसने कहा गाने तो पे फिर, कर दो। फिर वो तो एक, मैं भी आपसे कोई रिक्वेस्ट कर सकता हूँ मतलब? तो बस उनकी रिक्वेस्ट हमने कर, अभी आप मुबशीर लुकमान की बहुत साइड ले रहे हैं, बहुत ज्यादा आप मुद्दे पे आए कि उन्होंने हम पे चोरी का जो इल्जाम लगाया उस बात पर आए, वो क्यों चोरी की है? नहीं आपको मुद्दा ये है, मेरी अर्ज सुने, मुद्दा ये है कि मुझे पहले एस्टेब्लिश तो करना है, अब आप लोग की दोस्ती भी रही है। देखिए मैं आपको बात बताता हूं, आपने जब स्टार्ट लिया, मैं आपकी बात, मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूं? इजाजत है? माइंड नहीं करती? जरूर पूछो। जब हम देखें यहां पे हर बात पे कोई भी ऐसी बात होता है, कंदील बलोच, कंदील बलोच, इन्होंने स्टार्ट पे उस एक मरे हुए इंसान को, बिल्कुल मेरी भी स्टार है, मेरी भी स्टार है, हमारे मेरी, मैं आपको एक बात बताऊं, हराम मौत मारी, किसने मारा उसको? अपने शो में बुला के उसको मरवाया, उसको मौलवी अब्दुल कवी को, ये टीवी वालों ने उसको मरवाया, ये न्यूज चैनल ने उसको मरवाया, आज जो उसको इतने फखर से याद है, मेरी बात बिल्कुल आ गया, ये टीवी चैनल और न्यूज चैनल मुबशीर लुकमान का बहुत बड़ा हाथ है, मरोगे, बहुत बड़ा हाथ है। जब धमकियों में उसका जो असिस्टेंट है उसने इस तरह बोला, क्या कहा? मेरी बात सुनिए, कंदील बलोच को मुबशीर लुकमान अपने शो में बुला के डिग रहे हैं, जब तक आपको सबूत नहीं है आप इतना बड़ा इल्जाम ना लगाएं। मैं आपको कहती हूँ कि मुबशीर लुकमान का बहुत बड़ा हाथ है मौलवी अब्दुल कवी, वो एक डिफरेंट बहस है, हम उसमें नहीं जाएंगे, वो नहीं, देखें वो तो मर चुकी है, मुर्दे को मत याद करें, नहीं मैं तो एक मुर्दे को मत डिस्कस करें, नबी से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे दुख होता है, मुझे आज भी दुख, मेरी बात सुन, क्यों दुख होता है, लेकिन उसको अच्छे लफ्जों में अगर याद नहीं कर सकते तो उसको किसी के साथ याद कर रहा हूँ मैं, अच्छे हम कंदील नहीं है, कंदील हम नहीं है, क्योंकि वो स्टार थी,
उसके इतनी मतलब वो स्टार था, बिल्कुल स्टार थी, स्टार है, और इन लोगों ने उनको मरवा दिया, हमारे टीवी चैनल्स ने उनको मरवा दिया। वापस आते हैं आप पे, वापस आ जाते हैं आप पे, मतलब मुझे ये पता है कि मैं किसी भी शख्स से मिलता हूँ, मुझे पहले इंटरेक्शन में पसंद नहीं आता, मुझे लगता है कि नहीं यार गुड्डाजी है थोड़ा बहुत, मैं नेक्स्ट टाइम नहीं मिलूंगा उससे। अगर आप मिलते भी रहे हैं, आज आप कह रहे हैं मुझसे तब ठरकी भी हैं, आज आप लोग कह रहे हैं आपको वो रिक्वेस्ट भी करते थे वीडियो की, और ये मैं आप वो तमाम लोग जो देख रहे हैं आइंदा के बाद हरीम शाह को संदल खटक को वीडियो की रिक्वेस्ट नहीं करनी वरना ठरकी हो जाओगे तुसी। ये देखा ना अपने चैनल से भी बैठ के गलत बात कर रहे हैं। नहीं मैं गलत बात नहीं कर रहा, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ये तो फैक्ट है ना कि आप जो बंदा वीडियो कह रहे हैं हमारे फैंस जो है हम हमने ठरकी इस बात को तो नहीं कहा कि वो वीडियो हम अपने से ज्यादा फैंस को प्यार करते हैं, वो मैसेज जो करते थे मैंने तो उस हवाले से कह के शादीशुदा मरकर किसी औरत को कह के मुझे वीडियो सेंड करो ना करे तो मुझसे माफी मांगो पब्लिक के सामने ना मांगी जाए तो वो मेरी बात सुने मुबशर लुकमान का ये बताए ना वो चोरी साबित करें, हम चोर हैं हमें सजा दी जाए, हमें सजा दी जाए, हमने इतनी हिम्मत करके मुबशर लुकमान के जहाज के अंदर से सामान चुराया तो हमें सजा दी जाए जी, लोगों को बताया जाए, सबूत सामने पेश किए जाए, पेश करें। अगर मुबशर लुकमान ये झूठ बोल सकता है कि हरीम और संदल ने मेरे जहाज के अंदर से घुस के चोरी की, सेकंड वो जाके पुलिस के आगे हमें जाके वो दरख्वास्त तो केस चल रहा है ना, उस पे मैं कमेंट नहीं करूंगा, वो तो मुबशर लुकमान तो कहें क्यों अभी केस, अगर मुबशर लुकमान के जहाज से चोरी हुई होती तो वो इतना पैसों का भूखा बंद है वो अभी तक आराम से सोता इब्ने आदम को एक वो मिले ना दूसरे की तमन्ना जरूर करते हैं, ये हिरस और ये वो इंसान की डिज़ायर बढ़ती रहती है कभी कम नहीं होती। ठीक है अब हमारे हुक्मरानों को मतलब कुछ लोगों को इतना पैसे की लत, कुर्सी की लत, उसकी लत लग गई है कि वो पैसे को सब कुछ समझते हैं, वो अपनी चीज़ों को सब कुछ समझते हैं। मैं कहती हूँ मुबशर लुकमान की एक हैंड फ्री भी गुम हुई होती ना अभी वो चैन से ना बैठा होता, उसको बुखार हुआ था, वो हॉस्पिटल में बैठा था, जानते हैं ना उसका अगर पेन भी गुम हो जाए ना तो वो पागल हो जाता है, तो वो तो कह रहा है मेरे लाखों के कैमरे और लैपटॉप हम तो खाली हाथ गए थे सर, हमारे पास तो पर्स नहीं था कुछ है, हम खुद अपने और ये कैमरे जो है ये कोई पौधे की तरह होंगे ना जो हमने हाथ से उखाड़ के निकाले हैं, अपने फैंस को बता रहे हैं कि फैंस जिस वक्त हम यहाँ पे हैं हम जहाँ से ये मुबशर हम तो एक एक मिनट की आप भी देखो हम उनको भी बता रहे हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम चोरी भी कर रहे हैं, हम अपना आप भी बता रहे हैं और सब दुनिया को भी बता रहे हैं कि जहाज से चोरी होने वाली है और हम पहले कुछ छुपा के करते हैं ना, आप ही खुद ये देखो इतने बड़े एंकर हैं सवाल से सवाल निकाल सकते हैं हमें, आप यहाँ पे बैठ के मुबशर लुकमान को मतलब राइट और हमें गलत आप वो करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप ये क्यों नहीं कर रहे कि चोरी कैसे, बिल्कुल आपको गलत करने की कोशिश नहीं कर रहा, जो आपका वजन है जैसे अनएडिटेड ऐसे ही ऑनर जाएगा। पहले कॉल पे बात जो हमारी मैसेजेस पे बात थी, ठीक है मुबशर लुकमान से वो करें ये करें वो करें फ्लाम फ्लाम में गुस्सा आ गया, हमने वीडियो में कहा कि पहले जहाज में भेजते हैं हमारे लिए जहाज ओपन करते हैं हमसे वीडियोस बनाते हैं और बाद में कहते हैं रिमूव करो ये करो वो करो ये कौन सा तरीके, फिर उन्होंने कहा कि आप मुबशर लुकमान को कॉल करके तो आप माफ़ी मांगो, असिस्टेंट ने कहा कैसे, हमने कहा हमने कोई गलती नहीं की हम माफ़ी क्यों मांगे। अच्छा फिर हमें एक और कॉल आई कि मुबशर लुकमान अब ये कर लेंगे वो थ्रेट्स कॉल, तो हम उस पे क्या थ्रेट के पुलिस के हवाले कर देंगे, बहुत बड़े आते हैं मुबशर लुकमान की गाड़ी निकलती है तो आगे भी गार्ड होते हैं पीछे भी गार्ड होते हैं उनको भी मैंने ये मिलती रही उस बंदे ने कहा जी बिल्कुल उसने कहा तो आपने देखे होंगे मुबशर के साथ गार्ड्स होते हैं, मुबशर लुकमान के साथ तो और भी बहुत कुछ होते हैं अब क्या क्या बताएं गार्ड्स के अलावा क्या क्या अच्छा पहले एक बात तो करने देना क्या क्या होता है मुझे बताएं तो सही ना मुझे भी पता हो आम को पता हो आप अगर आपको किसी चीज का पता है मुबशर के साथ क्या होता है मुबशर लुकमान की अपनी पर्सनैलिटी में क्या वो करूँ मैं उतना ही तनकीद करूंगी जितना कि मतलब तनकीद नहीं मैं उतनी उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं डर रही मैं मुबशर लुकमान से कभी डरी ही नहीं हूँ मैंने मुबशर लुकमान को सरेआम कॉल पे कहा कि जो करने अब करें मैंने मुबशर लुकमान तो आगे सुनाने क्या कहा मुबशर लुकमान ने क्या कहा मुबशर लुकमान ने क्या कहने अब एक झूठ पे बेबुनियाद खातून को क्या कह सकता है बंदा वो यही कहा एक खातून पे ही तो उन्होंने बेबुनियाद इल्जाम लगाया जब इतना बड़ा इल्जाम लगा के सोचा अच्छा संदल आपकी बात हुई मुबशर लुकमान से कभी जी मुलाकात हुई कभी जी कैसा आदमी है ठरकी बहुत ठरकी है मुबशर लुकमान तो अगर आप ठरकी हैं तो आपकी मुलाकातें क्यों रही है बार बार मिलती क्यों रही है बार बार मिलती खाने पे बुलाते हैं कि बस मेरे साथ डिनर करो डिनर वो खुश होते हैं लड़के उठे बैठ के बाकी हाँ जी नहीं ऐसा जी बिल्कुल है ऐसा ऐसा है शादीशुदा आदमी है जवान बेशक शादीशुदा इंसान में इस दुनिया में मर्द शादीशुदा ही तो सबसे ज्यादा ठरकी खराब होते हैं अपनी बीवियों को धोखा देते हैं मैं ऑन स्क्रीन ये कहती हूँ कि कोई भी बीवी अपने मर्द पे प्लीज बिलीव ना करें इसलिए मैं तो शादी करनी नहीं है क्योंकि मुझे मर्दों का बहुत पता है कि मर्द सिंसियर नहीं अच्छा जो सिंगल होते हैं वो रिलायबल होते हैं मर्द जो सिंगल होते थोड़े उनके अंदर में रहते हैं बुड्ढे ये जो अच्छा चलिए अब थोड़े से लाइटर नोट की गुफ्तगू करते हैं संदल आपको की बॉयफ्रेंड है नहीं कोई माजी में राख नहीं कैसे मान लो मैं ना मानो आप
मैं मानती हूँ इस चीज़ को। रीम आपका भी बॉयफ्रेंड है? मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। बॉयफ्रेंड कोई माजी में रहा हो एक कदा? वैसे बहुत सारे ऑनलाइन कैसे आपको बताऊं कि कदर आ या ना रहा? नहीं कोई रहा नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगी इस मामले में और सच भी यहाँ नहीं, क्योंकि अभी भी हो सकता है ना कई बेचारे दिल था उनके बैठे होंगे, कईयों को लग रहा हो कि जी मैं रीम का बॉयफ्रेंड ना। नहीं, जो होगा वो मेरा सबके सामने होगा, मैं इस मामले में डरूंगी नहीं। अच्छा है, कोई मेरा बॉयफ्रेंड होगा तो वो, मैंने कहा फ्रेंड्स हैं मेरे काफी सारे, फ्रेंड्स बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। बॉयफ्रेंड कोई नहीं? नहीं बॉयफ्रेंड नहीं अभी, जो साथ हो या ऐसे फ्रेंड्स हैं यार, प्राइवेट प्लेन में भी ले जाते हैं, सेंटोरस मॉल में पार्टी। तो जरूरी है कि उनका पार्टी आप अच्छा नहीं तो जरूरी पार्टी कहां पे आपने सेंटोरस मॉल में या मैरियट नहीं तो जरूरी है उनसे कोई रिलेशन गलत रिलेशन नहीं होगा। ये जितने भी लोग जाने मेरी बात लेके जाएगा यही सवाल इसी तरफ, क्या पता वो भाई इधर ही आना चाह रहा था, क्या पता वो भाई की हैसियत से लेके जा रहा हो, क्या पता वो बाप की हैसियत से, क्या पता वो आप स्टूडेंट हैं, एक तरफ आप लोगों ने सेमेस्टर फ्री स्टडी हमारे साथ ही करते हैं, प्राइवेट प्लेन में सफर, सेमेस्टर फ्रीज तो मैंने, बड़े-बड़े लोग सेमेस्टर फ्रीज तो मैंने किस लिए करवाया, क्योंकि मैं स्टडी को टाइम नहीं दे पा रही थी, टाइम इसलिए क्योंकि मेरे बहुत सारे काम है, उन कामों की वजह से मैं स्टडी को टाइम नहीं, स्टडी के लिए एक टाइम चाहिए होता है ना, बंदा फोकस होकर अलर्ट होकर स्टडी करे, स्टडी के लिए एक वो होता है, तो इसलिए मैंने अपना किसी मजबूरी के मतहत या किसी मजबूरी की बिना पर मैं अपना सेमेस्टर फ्रीज नहीं करवाया। अच्छा आप मुझे आखिर में ये बताइए, मुबशिर लुकमान वाली FIR वो दरखास्त क्या स्टेटस है उसका, अभी करंट स्टेटस क्या है, केस चल रहा है? जी उन्होंने एप्लीकेशन दी हुई है, हमें आपने माफ़ी किस चीज़ की मांगी? सर हम गलती से वहाँ पे गए थे और गलती से हमने वीडियो बना दिया, उसके लिए हम आपसे अपोलोजाइज करते हैं, आप हमारे स्टार हैं, हम बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं, और वही मैंने आपने मैसेज में लिखा, मेरा मोबाइल वायर पड़ा हुआ है, अगर आप वो लेके आएँ तो मैं दिखा सकती हूँ। क्या मैंने जी मैं मैसेज दिखा सकती हूँ, आपकी बात हुई मेरी हुई थी, आपकी बात हुई, क्या गुफ्तगू हुई? मुबशिर लुकमान से, उनके असिस्टेंट से, दोनों से। उनके जब असिस्टेंट ने मुझे कॉल की थी उस टाइम हम लोग बैंक में या थे, नाम तो नाम याद नाम नहीं याद, मैसेज पड़े तो मेरे पास, नंबर तो पड़ा है ना, जिन नंबर से मैं आपको मैसेज सेंड कर दूंगी। हम बैंक में थे हम दोनों, तो मैंने कहा ये अब केस आगे बढ़ता जा रहा है तो मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ कि ये धमकियाँ दे रहा था ना, तो मैंने कॉल बंद करके दोबारा रिकॉर्डर ऑन किया और मैंने रिकॉर्ड की, तो उसने कहा संदल वीडियो डिलीट कर दो नहीं तो अच्छा नहीं होगा, तुम घर में एक दिन भी सुकून से नहीं रह सकोगी, वो बहुत उसके वो लंबे लंबे हाथ हैं मुबशिर लुकमान के, नहीं आम आदमी छोटे थे, बस वो तो आप छोटा सा आदमी लेकिन आप लोगों ने उसको बड़ा बनाया, वो क्या मर्द होगा जो एक लड़की पे इल्जाम लगेगा, वो भी झूठा, क्या लड़की होगी जो प्लेन तक घुस जाए किसी बंदे के? जी हम गुस्से के आम बाशिंदे हैं यहां के, मुबशिर लुकमान ने, मुबशिर लुकमान जहाज खरीद सकते तो हम जहाज में क्यों नहीं बैठ सकते, वो हम तो जहाज में बैठे हैं ना, जर्नलिस्टिक करियर है वो, जर्नलिस्टिक क्या है, वो भी तो गैंगस्टर है, आप कह रहे हो कि मैं इमरान खान नहीं कमाता इतना, कौन अभी आपने कहा 30,000